प्रदेश सचिवालय शिमला के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सेकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति दिए जाने का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आज सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर चेताया कि अगर सरकार ने बाहरी लोगों को सचिवालय में नियुक्ति दी तो कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र बॉबी ने कहा कि सचिवालय में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, लेकिन सरकार ने सचिवालय सर्विस रूल को संशोधित कर सचिवालय में दूसरे विभागों के लोगों को लाने की योजना बनाई है, जिससे सचिवालय के कर्मचारी के अधिकार भी मारे जाएंगे। सरकार ने अगर राजनीतिक लोगों को सचिवालय में बैकडोर एंट्री दी तो कर्मचारी आंदोलन को तेज करेंगे। न्यूज डेस्क एनवन लाइव बाय भूपेंद्र बॉबी। आज कैबिनेट की मीटिंग के दौरान हमें पता चला कि दो फाइलें SAD 1 से जो है ये प्रोसेस की हुई है और वो है सेकेंडमेंट बेसिस पे कर्मचारियों को सचिवालय में सेकेंडमेंट बेसिस पे लाने का रास्ता साफ करना, और दूसरी फाइल है कि RNP रूल में बदलाव करके सचिवालय में जो है रिक्रूटिंग एजेंसी है हमारी, अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसी रहती है, जैसे आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, HP पब्लिक सर्विस कमीशन है, और अपने क्या कहते हैं YSS के थ्रू स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, एक्स सर्विसमैन सेल से आते हैं। परंतु ये क्या जरूरत पड़ गई है 82 हमारे जो बच्चे हैं, जो पिछले कल आपको ध्यान होगा छोटा शिमला में जिन्होंने धरना किया था, उन्होंने उनकी फाइनल स्क्रूटनी हो रही है, आपने सिर्फ डायरेक्शन पास करने हैं, आपने विजिलेंस को डायरेक्शन पास करने हैं कि इनके मामले में आप थोड़ा स्पीड अप करें और सब्जेक्ट टू कंडीशन उनको अपॉइंटमेंट दे दें। आपको विद इन 2 to 5 days जो है 82 क्लर्क्स मिल जाएंगे। हमारे स्टेनोग्राफर्स हैं, कमीशन के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, कमीशन के थ्रू आते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर चला हुआ है। क्या जरूरत पड़ गई है कि सचिवालय में पॉलिटिकल बेस्ड से मेरा तात्पर्य ये है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सचिवालय की वर्किंग जो है फाइल पे होती है, फील्ड की वर्किंग कागजों पे होती है, और सचिवालय की वर्किंग जो है PUC से कोई के चैनल को क्रॉस करते हुए फाइल में होती है, और सचिवालय में जो भी एंटर करता है, यहाँ तक कि सीनियर IAS अधिकारी भी जब फील्ड स्तर से, चाहे वो DC लगे हों, चाहे वो SDM लगे हों, अगर सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि सचिवालय की वर्किंग के लिए सचिवालय में ही रहकर फर्स्ट क्लास से सीखना पड़ता है। जब इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वो एडमिट करते हैं कि सचिवालय की वर्किंग के लिए फील्ड के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सचिवालय आके ही आपको यहाँ की वर्किंग को आपको सीखना पड़ेगा, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा, अब पॉलिटिकल ही जो मोटिव जो बंदा आएगा वो आप मानते हैं, सचिवालय आर्म्सडेल और एलर्जली बिल्डिंग से बना है, और यहाँ पर तो पॉलिटिकली अगर कोई आएगा तो पॉलिटिकल ऑफिसर्स में ही बैठेगा, जबकि पॉलिटिकल ऑफिसर्स में मेन बैठने का हमारा PSPA का कैडर है, स्टेनोग्राफर्स का कैडर है, ब्रांचेज जो होती है वो सचिवालय या किसी भी सचिवालय की, मैं तो आपको UNO की बात करूँ, UNO सेक्रेटेरिएट पूरे हमारे इंडिया में जो भी सेक्रेटेरिएट है, हरेक का जो आधार है, हरेक का जो संगठन की रीढ़ है वो सेक्रेटेरिएट ही है, और यही वजह है कि आज हमने सिंगली ये दूसरे विषय जो हम जोड़ रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकायुक्त और गवर्नर सेक्रेटेरिएट को सेक्रेटेरिएट पे नहीं दिया जाना, हमारे मेन मुद्दों में से एक है, परंतु आज जो है मेनली हमारा टारगेट ये है कि सचिवालय की जो भी सर्विस रूल्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जाए।